तो दरिंदगी की इंतहा आपने देखी, लगातार यहाँ पर इन दरिंदों की जो एकदम मंसूबे हैं उनमें उनको कामयाबी मिल रही थी, हौसले लगातार उनके बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिर पुलिस ने मामला दर्ज क्यों नहीं किया। केस कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया, ये केस दर्ज होता है। केस दर्ज होते ही शोषण के सभी आरोपी फरार हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में केस दर्ज हुआ है और शोषण के आरोपियों की अब तलाश चल रही है, वो सभी फरार हो गए हैं लेकिन अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है कि उनके द्वारा कुछ लड़के और लड़कियों को यहाँ पे बंधक की तरह बना के काम करवाया जा रहा था और हरासमेंट की बात सामने आई है। उसी की जांच के संबंध में आज वादिनी को यहाँ पे बुलाया गया था और उनका बयान लिया गया है और उस बयान में सामने आया है कि ये 2022 से ये कंपनी यहाँ पे कार्यरत है और 2022 से ये यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी हुई थी और इस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी, जिसमें करीब 50 लोगों को इन्होंने कंपनी में जोड़ने का भी काम किया है और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से चलती है, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं कंपनी में और उस बेसिस पे एक तरह से फर्जीवाड़ा करके और झांसा दे के लोगों को प्रोडक्ट बेचने के नाम पे अपना जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो वादिनी है उनको द्वारा भी बताया गया कि उनके साथ हरासमेंट की बात भी सामने आई है। तो अभी हम लोग इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जो अभी केस रजिस्टर हुआ है उसमें वादिनी के बयान पे जितनी सारी एंगल्स इस केस में उभर के आई हैं उन सभी पे जाँच हो रही है। कंपनी के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो जरूर किया जाएगा। और मुजफ्फरपुर मामले में सियासत भी तेज हो गई है। RJD के नेता भाई वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि किसकी शह पर ये पूरा मामला हुआ है, किसकी शह पर लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया जाता था और किसकी शह पर उनका यौन शोषण किया जाता था। सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है और भाई वीरेंद्र सिंह जो कि RJD के नेता है वो ये सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही अब RJD और बीजेपी की ओर से JDU और बीजेपी की ओर से इस पर जवाब भी दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसे कोई कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं, उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना, उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। अरे फर्जी कंपनी कौन बनाता है? वही लोग जो राज्यसभा में जाता है, जो बिहार का मंत्री होता है, कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई सर जमीन नहीं है लेकिन बिहार सरकार उसको मानती है, राज्यसभा भेजती है, विधान परिषद में भेजती है, बिहार में मंत्री बनाती है। निश्चित रूप से वैसे ही लोगों पर शिकंजा जब कसेगा तो बताएगा कि हाँ कहाँ से क्या हो रहा है। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से एक बार फिर से पालिका की जैसे उनको कैसे देखते हैं? देखिए जो भी है जानकारी सरकार के पास आएगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी।